सैटर्न प्लैनेट के चांद एनसेलेडस पर नासा के कैसिनी यान ने जीवन के होने की उम्मीद जगाई है। कैसिनी ने इस चांद पर 16 साल पहले बर्फ और मीथेन की मौजूदगी का पता लगाया था। 2005 में कैसिनी ने एनसेलेडस में मीथेन की नदियां और समंदर के होने का पता किया था। अब कैसिनी के आंकड़ों से ही यहां पर मीथेन के साथ H2 और CO2 का पता चला है। ये पदार्थ पृथ्वी के महासागरों में हाइड्रोथर्मल वेंट के तौर पर पाए जाते हैं। पृथ्वी पर मीथेन इंसान, जानवरों और बैक्टीरिया के कई जैविक प्रक्रियाओं से पैदा होता है। मीथेन भूगर्भीय रसायन प्रक्रियाओं से भी पैदा होती है। क्या एनसेलेडस के हाइड्रोथर्म वेंट पृथ्वी की तरह सूक्ष्म जीवन के आवास बन सकते हैं? वहां बर्फीली सतह के नीचे मीथेन के महासागर में गर्मी है, जहां जीवन पनप सकता है।